अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नर्सिंग के एडमिशन्स के बारे में, जो कि पंजाब के बड़े सरकारी अस्पतालों में ये अनाउंस हुई हैं। नर्सिंग के लिए और मुख्तलिफ मेडिकल कोर्सेज़ के लिए, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल नर्सिंग पंजाब की तरफ से एडमिशन्स हैं। हम आपको डिटेल से बताएंगे आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और उसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आईडीज के लिंक आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पर, आपको बताते हैं इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार 22, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पहले लिंक पे जहाँ पे जॉब बाजार लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल नर्सिंग पंजाब, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने जो पोस्ट है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। इसका ऐड भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप यहाँ से ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से इस ब्लू कलर के फॉलो बटन को प्रेस कर लें, या आप सेलेक्ट करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपके पास को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों ये ऐड है, और ये जो ऐड है आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे, 13 फरवरी की डेली दुनिया न्यूज़पेपर में। ये सोर्स हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप ये ना समझिए कि फेक ऐड है। तो इसमें कौन से हॉस्पिटल्स मेंशन है, हम आपसे इनके नाम शेयर करते हैं। सबसे पहले इसमें है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंजाब लाहौर, ठीक है। उसके बाद है कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिना हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल, उसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी और निश्तर हॉस्पिटल, और इसके अलावा बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, और इसके अलावा शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान, और उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जनरल हॉस्पिटल, उसके अलावा यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट, उसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। तो ये जितने भी यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में जो है वो एडमिशन्स ओपन हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद कौन सी फील्ड में एडमिशन्स ओपन हैं, इसमें सबसे पहले है BSc नर्सिंग पोस्ट RN के लिए, ठीक है। पोस्ट RN आपको पता है कब होती है, जिसने ऑलरेडी BSc नर्सिंग की हो। उसके बाद डिप्लोमा जिसमें ICU का है और नर्सिंग का डिप्लोमा है, 1 साल का जो नर्सिंग का डिप्लोमा है जो मैट्रिक के बाद करते हैं, जिसे CNA भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे डिप्लोमा है, ये थोड़ा सा जो ऐड है ये ब्लर है, आप न्यूज़पेपर पे चेक करेंगे या डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी यहाँ पर। तो उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं, मतलब जो सीट्स हैं वो कितनी हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी आपने यहाँ से इसको रीड कर लेना है। और इसमें यहाँ पे सारे कोर्सेज भी, और इसके अलावा यहाँ पे जो पोस्ट RN का अलग के लिए यहाँ पे है, ठीक है। ये सारा आपने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद इनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। इसमें 50% जो सीट्स हैं वो मेल्स के लिए, 50 जो हैं वो फीमेल्स के लिए। उसके बाद इसमें मैट्रिक बायो के साथ आपकी हो, अगर बायो के साथ नहीं है तो आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ और आपने ग्रेजुएशन की हो, यहाँ पे आप इसका क्राइटेरिया रीड कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो पोस्ट RN के RN है उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अप्लाई कैसे करना है आपने, अच्छा ये जो है ना इंस्टीट्यूट जो है हम आपको बता देते हैं, जो यहाँ पे लाहौर का इंस्टीट्यूट है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंजाब, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, हम आपको दिखा भी देते हैं। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी कॉलेजेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट लेना है, ठीक है। इन इंस्टीट्यूट्स में जाकर आपने एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर खुद जाकर लेना है, लेकिन जो लाहौर का है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी जितने भी हैं वो आपने वहाँ से जाकर खुद लेना है। और इसकी जो लास्ट डेट है 22 फरवरी है, ठीक है, 22 फरवरी तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपके जो मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर 3 हफ्ते के बाद आपका जो होगा रिजल्ट जो होगा, और उसकी लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट आपकी लग जाएगी। उसके बाद मेरिट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये सारा आपने खुद यहाँ से रीड कर लेना है। बाकी इसमें जितना भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आपने इनसे कॉल पे लेनी है। ये आपको यहाँ पे नंबर नज़र आ रहे हैं दोनों, ठीक है। आपने ऑफिस टाइमिंग में सुबह 9 बजे से शाम 5-6 बजे तक आप इनसे कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। ये आपको दोनों नंबर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है
एडमिशन से मुतल्लिक, आपने इनसे खुद लेनी है, ठीक है, और इनसे रब्ता करेंगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ये आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। और ये जो ऐड है आप चेक कर सकते हैं 13 फरवरी की डेली दुनिया न्यूज़पेपर में। अब जो बाकी लाहौर का है ना वो एडमिशन फॉर्म, वो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने लाहौर के लिए अप्लाई करना है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। बाकी जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपने खुद वहाँ जाकर उनसे एडमिशन फॉर्म लेना है या उनसे कॉल पे कांटेक्ट कर लेना है, हो सकता है बाई पोस्ट भी आपको मिल जाए। और यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट ये किसकी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज है वहाँ की है, ठीक है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपने खुद विजिट करना है और वहाँ से ले लेने हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।